कर्मचारी महासंघ के दोनों गुटों की हुई मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान डीए एरियर पर क्या हल निकला उसके बारे में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जानकारी दी। ये जो एनजीओ फेडरेशंस थे इनके दो अलग अलग ग्रुप हैं अभी तक। एक में प्रदीप ठाकुर जी जो ओपीएस का नेतृत्व कर चुके हैं, पहले उनकी टीम थी, और दूसरे में त्रिलोक ठाकुर जी हैं, उनके साथ जो साथी है उनकी जो टीम थी। ये पिछले काफ़ी समय से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांग रहे थे, तो इनको समय मिला था फ्राइडे का, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री जी को वायरल होने की वजह से ऑफिस नहीं आ पाए दो दिन, तो आज आए तो उनका समय जो था मिलने का मुख्यमंत्री जी के साथ था। उनकी अपनी एनजीओस की सारे उसमें तकरीबन हर डिपार्टमेंट के उनके साथ लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट को वो जो एनजीओस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों फैक्शंस, तो वो दोनों ने अपनी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। उनकी जो मांगे थी कर्मचारियों से संबंधित, हर विभाग से संबंधित, मुख्यमंत्री जी ने वो बातें सुनी और उनको आश्वासन दिया है कि हम विधानसभा का सेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों से दोबारा बुलाएंगे और दोबारा बातचीत करेंगे, जो आपकी कर्मचारी भाइयों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर गौर करेंगे। और वो एक जो उन्होंने बात रखी कि जो डीए और एरियर्स को लेके हैं उसको लेके भी उन्होंने बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हम इसको लेके बिल्कुल पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारी यही बात थी कि हम कुछ समय चाहते हैं जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार हो जाए। और ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।